आज के दोस्तों वीडियो में हम बलून मॉली फिश में मेल और फीमेल को सेपरेट करने वाले हैं। इसको पकड़ना काफ़ी आसान रहता है और मॉली फिश को पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। कभी भी स्लो स्विमर है, मॉली फिश काफ़ी फास्ट स्विमर है। आधा घंटा लगा इन सारे मॉली फिश को सेपरेट करने के लिए इस टैंक में। तो फर्स्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पे जान लेते कि फीमेल कौन है और मेल कौन है। ये बस काफ़ी खूबसूरत फीमेल भी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, फीमेल है और इसका कलर देख सकते हो, इसके ऊपर जो डॉट है वो काफ़ी सुंदर लगती है। अच्छा लगता है कि ऐसे ब्रीड को मैं ये रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मेल भी देख सकते हो, मैंने लाइफ में कभी ऐसा मॉली फिश नहीं देखा है, इतना खूबसूरत। आज के दोस्तों वीडियो में हम बलून मॉली फिश में मेल और फीमेल को सेपरेट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मेल है ये कंटिन्यूसली फीमेल को चेस करता है अर्ली एज में, तो इससे कह रहे थे मेल की ग्रोथ स्टक हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूसली चेस कर रहा है। फीमेल अगर अर्ली एज में प्रेगनेंट होगी तो प्रॉपरली उससे बेबीज रहते हैं, वो नहीं निकलते हैं, बेबी हैच ही नहीं होते हैं पेट में, तो इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फीमेल की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है और बाद में जब उसके बेबीज निकलते काफ़ी डिफॉर्म निकलते हैं। मैं सिंपली क्या करने वाला, मैं आपको मैं बताता हूँ। ये जो टैंक है इसमें मैं सारे मॉली फिश को पकड़ के टब में से निकाल के इसमें डालूंगा। उसके बाद है ये जो ग्रीन टब में है मैं फीमेल को अलग करूंगा और ऑरेंज टब में मेल को अलग करूंगा। अभी दोस्तों हम पकड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं मॉली फिश को। एक्चुअली गप्पी फिश को पकड़ना काफ़ी आसान रहता है और मॉली फिश को पकड़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। गप्पी फिश स्लो स्विमर है, मॉली फिश काफ़ी फास्ट स्विमर है। अभी देखते हैं, अभी फटाफट से मैं पकड़ता हूँ। यहाँ पे मॉली फिश की कम से कम मुझे ऐसा लगता है 20 से 25 क्वांटिटीज़ में बेबीज रह गए। कपी फिश को ऑलरेडी हमने सेपरेट किया है, हमने एक वीडियो में कवर किया था, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यही सेम प्रोसेस किया था कपी फिश में मेल और फीमेल सेपरेट करने का। लगभग मुझे दोस्तों आधा घंटा लगा इन सारे मॉली फिश को सेपरेट करने के लिए इस टैंक में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल बलून मॉली फिश है। इसमें कुछ गप्पी फिश भी आ गए, तो पहले हम इन्हें इनके टब में है वो रिलीज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे सारे आप देख सकते हो सारे मॉली फिश है दोस्तों। थोड़ा वाटर है, आपको डस्टी दिखेगा, मड़ी दिखेगा। उसका रीज़न ऐसा है कि जब भी मैं इनको पकड़ रहा था तभी जो वेस्टेज रहता है वो भी इसके साथ आया, बट सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बहुत सारे जो फीमेल्स है और मेल्स है यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पे जान लेते कि फीमेल कौन है और मेल कौन है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी आसान होगी। सिंपली अगर आप यहाँ पर आप टैंक में देखोगे तो बहुत सारे जो फिश है एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, जो चेसिंग कर रहे हैं वो मेल है और जो इसको चेस कर रहे हो फीमेल है, अगर आप ईजी वे से आइडेंटिफाई करोगे तो। बट मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है मेल और मेल को खुद को चेस करते हैं, दोनों मेल एक दूसरे को चेस करते हैं। जब भी आप मेल की ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे एक टैंक में या फिर मेल से मेल्स रखोगे तभी। तो अभी हम लोग पहले मेल और फीमेल जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन है। इजी वे से दोस्तों आइडेंटिफाई कर सकते हो, 3 से 4 प्रकार से आप मॉली फिश को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑलरेडी हमने वीडियो डेडिकेटेड बनाया है मेल और फीमेल कैसे पहचाने, तो ज़रूर आप वो वीडियो देखिए। आपको बहुत सारे जो मैंने वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है वो बताया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी आपको मैं सिंपली बताने वाला हूँ मेल और फीमेल कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, इसका आप गोनोपोडियम देख सकते हो, मैंने मार्क किया है यहाँ पर इनका गोनोपोडियम है वो पॉइंटेड नहीं है, मतलब है फीमेल है। इस भी मॉली फिश को आप देख सकते हो, इसका भी जो गोनोपोडियम है वो पॉइंटेड नहीं है, मतलब है फीमेल है। अभी हमारे जो सामने आ रहा है ये ब्राउन कलर में ए है, मेल है, इसका आप गोनोपोडियम देख सकते हो पॉइंटेड है। वैसे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि फीमेल का पेट है थोड़ा बड़ा रहता है कंपेयर टू मेल, और मेल का जो पेट रहता है वो पतला रहता है, स्लेंडर रहता है। और भी मेल के ऊपर जो
फिन रहता है, डोर्सल फिन रहता है, वो बड़ा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल के ऊपर का जो डोर्सल फिन रहता है वो छोटा रहता है। डोर्सल फिन मतलब क्या हो गया कि मॉली फिश की जो ऊपर वाला जो फिन है उसे डोर्सल फिन बोला जाता है। आपने नॉर्मली मॉली फिश को देखा रहेगा कि जब वो फ्लेयरिंग करते हैं तभी उसका डोर्सल फिन एग्जैक्टली दिखता है, तो उसे डोर्सल फिन बोलते हैं। मेरे पास काफ़ी खूबसूरत फीमेल भी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, फीमेल है और इसका कलर देख सकते हो, इसके ऊपर जो डॉट है वो काफ़ी सुंदर लगती है। तो ऐसे हमारे पास फीमेल भी काफ़ी सुंदर है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसी ब्रीड को मैं ये रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मेल भी देख सकते हो, मैंने लाइफ में कभी ऐसा मॉली फिश नहीं देखा है इतना खूबसूरत। तो हम लोग अभी अलग अलग है वो करेंगे। अभी हमने टैंक को पूरी तरह से खाली किया, आप देख सकते हो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था क्योंकि वाटर भी थोड़ा मड़ी था, उसमें हमें पूरी तरह से निकालने का था, मेल और फीमेल सेपरेट करने का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फीमेल्स हैं और इस टैंक में देख सकते हो ये सारे मेल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 क्वान्टिटी टोटल रहेगा मिला के। तो पहले दोस्तों फीमेल को फीमेल के टब में है हम लोग रिलीज़ करते हैं। अभी दोस्तों मेल्स की बारी है, तो मेल्स को अभी हमारे गप्पी फिश मेल के साथ है वो रिलीज करते हैं। तो दोस्तों हमने मेल फीमेल को उनके रिस्पेक्टिव स्पेस में है वो रिलीज किया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे मेल मॉली फिश, मैंने जैसे मैंने बोला था अगर आप मेल को मेल के साथ रखोगे तो चांसेस है मेल मेल को ही चेस करेंगे। तो ऐसा ऐसे हम यहाँ पे हो रहा है, मेल मॉली ने चेस करने के लिए स्टार्ट किया है सारे मेल्स को। तो दोस्तों ये था वीडियो, हमने पूरी तरह से मैंने आपको ट्रांसफरिंग दिखाया है मेल और फीमेल का मॉली फिश में और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, एक बेसिक आपको आइडिया दिया है। तो आई होप क्या सारा प्रोसेस आपको अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा, आपने एंजॉय किया रहेगा पूरा ये वीडियो। वीडियो के एंड पार्ट में आपको मैं फीमेल्स भी दिखा देता हूँ मॉली फिश की। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो का जो प्रोसेस आपने एंजॉय किया रहेगा, आपको अच्छा लगा रहेगा। तो अभी लोग से इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करने को जा रहा हूँ। टेक केयर एवरी वन एंड बाय।